एक तो कोरोना काल में वैसे भी लोगों की समस्या बढ़ी हुई है। अब पांवटा साहिब के अंबोया पंचायत में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। पांवटा साहिब के अंबोया पंचायत में पानी नहीं मिलने पर लोगों में भारी रोष है। पानी न मिलने के चलते लोगों के सब्र का बांध टूट गया और अंबोया पंचायत की महिलाएं पानी के मुख्य सोर्स पर पहुंची। यहां आकर उन्होंने देखा कि टैंक में पानी तो है मगर उनके गाँव में पानी नहीं पहुँच रहा, जिसके बाद महिलाएं गुस्से से लाल हो गयी और महिलाओं ने मौके पर जेई का घेराव किया और आईपीएच विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये समस्या है हमारी जो हमें पानी नहीं मिलता। यहाँ टैंक हमारे भरे हुए, हमारे खुद का पानी है, सिंचाई का पानी है, दो जगह हम बिल भी भर रहे और मामला भी दे रहे, बिल का सारा वो दे रहे और तब भी हमें ये बोलते हैं अपनी नारियां ले, हम क्यों ले नारियां, जब हम बिल भर रहे हैं तो हमें पानी दो, हमें पानी की जरूरत है, तीन तीन चार चार दिन पानी। जेई को घेर कर महिलाओं ने बताया कि एक दिन पानी आता है और उसके बाद तीन तीन चार चार दिन तक पानी नहीं आता, लोगों को पीने तक के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। तो जो टैंकर है वो हमारे अंबोया से भर के जाते हैं पानी के, हमारे पूरा का पूरा जो यहाँ स्टॉक लगा हुआ है पर हमें नहीं पता है कि कहाँ पे कमी हो रही है, या तो हमारे जो लोकल यहाँ पे लगाए हुए हैं, जहाँ जिस घर से जो लोकल लगा हुआ है उस बेड़े में बिल्कुल खुला पानी है, पर हमारे बेड़े से कोई इस समय जो है इस डिपार्टमेंट में नहीं है, तो हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। सुबह से शाम होती है, शाम से भी सुबह होती है, पानी की बूंद बूंद है, बिल्कुल भी नहीं है, हमें खाले में से लाना पड़ रहा है पानी पीने के लिए, इतने ज्यादा हम लोगों को परेशान कर रखा है। जिसके बाद आज लोगों ने आईपीएच विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोगों ने चेतावनी दी है, यदि उनकी समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे।